हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास टेंथ और एक्सरसाइज हमारे पास 4.3। 4.2 में हमने किया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी गई हैं आपको, उसको फैक्टराइजेशन मेथड से हमने रूट फाइंड किया था। अब हम इसमें देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी हुई हैं बट उनका कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे हम। कैसे बनाएंगे वो देखते हैं कैसे। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ़ दे एग्जिस्ट, अगर वो एग्जिस्ट करते बाई द मैथड ऑफ कम्प्लीटिंग द स्केयर। तो हमें किससे बताना है, कम्प्लीटिंग स्केयर मैथड से बनाएंगे। कैसे, मैंने इंट्रोडक्शन में आपको कम्प्लीटिंग स्केयर मैथड के बारे में बताया था, अब वही मैथड हम यहाँ अप्लाई करेंगे। 2x² - 7x + 3 = 0। हमने 2x² - 7x + 3 को इधर लेके गए, -3 हो जाएगा। अब हमारे पास डिवाइड में इसके सॉरी एक्स स्केयर का जो भी हमारे पास कोफिशेंट है, सबसे पहले इसको 1 करेंगे। तो हमारे पास 2 है, 2 से डिवाइड कर देंगे सभी को, क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2। इधर क्या आ जाएगा, 2x² - 7/2 x = -3/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x² - 7/2 x = -3/2। इसको मैंने ब्रेक कर दिया, कैसे, क्योंकि हमारे पास जो भी ये डिजिट दिया हुआ है क्या है, -7/2। 7/2 जो x का हमारे पास कोफिशियंट है उसका हमने हाफ कर दिया, उसका हाफ कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 7/4 हो जाएगा। और फिर 7/4 का होल स्केयर प्लस भी करेंगे और माइनस भी करेंगे। कैसे, देखो इसको ब्रेक कर दो या फिर डायरेक्ट ये लिख देंगे, एडिंग बोथ साइड 7/4 स्केयर। दोनों साइड हमने ऐड कर दिया, इधर क्या आ जाएगा, x² - 2 × x = 7/4 + 7/4 का स्केयर = दूसरी साइड भी हमने ऐड कर दिया 7/4 का स्केयर और माइनस क्या है, 3/2। ये हमारे पास कैसे आया था, देखो 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 7/2 x आ गया, इसी को हमने कर रखा है। ये a² + b² - 2ab, तो किसका फॉर्मूला बन गया, a - b का होल स्केयर। तो क्या लिखेंगे इसको, x - 7/4 का होल स्केयर = 7 का स्केयर 49, 4 का स्केयर 16 - 3/2। एलसीएम लेंगे 16 आ जाएगा, 49 - 2 = 8, 16 + 8 = 3 = 24। अब भी x - 7/4 का स्केयर 49 में से 24 माइनस करेंगे 25/16। अब स्केयर को उधर लेके जाएंगे, रूट हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, √25/16 ओपन कर देंगे, +-5/4, 25 इसका होता है 5 का और 16 4 का, तो हमारे पास +-5/4 आ गया। अब -7/4 को उधर लेके गए, प्लस हो जाएगा x = 7/4 + -5/4। एक बार इसको प्लस कर लेंगे, एक बार इसको माइनस करेंगे, प्लस किया तो क्या आया, 7/4 + 5/4 = जब दोनों का बेस सेम है 4, तो 7 + 5 = 12 और 4 × 3 = 12, तो क्या आ जाएगा, 3। और जब बेस सेम है तो ऐसे कैसे माइनस कर देंगे, 7 में से 5 = 2, 2/4 क्या आ जाएगा, 1/2। तो आपके पास दो फैक्टर आ गए, 3 and 1/2। नेक्स्ट है 2x² + x - 4 = 0। सबसे पहले अपोजिट साइड में लेके गए कांस्टेंट को, 2x² + x = 4। फिर हमारे पास 2 है इसके साथ मल्टीप्लाई, तो 2 से डिवाइड कर दिया हमने, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2। 2 से डिवाइड करेंगे, 2x² / 2 + x / 2 = 4/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ 2 से कैंसिल होके क्या आ जाएगा, 2, तो क्या आ जाएगा, x² + x/2। ये आपके पास आ जाएगा x² + x/2 = 2। अब इसका हाफ करेंगे हम, 1/2 का हाफ करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2 का हाफ कर दिया 1/4, 1/4 का स्केयर दोनों साइड ऐड कर देंगे, x² + 2 × x = 1/4 + 1/4 का होल स्केयर = 2 + 1/4 का होल स्केयर। इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, a² + b² + 2ab, a + b का होल स्केयर हो जाएगा x + 1/4 का स्केयर = 2 + 1 का स्केयर 1 और 4 का स्केयर 16। एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, 16 + 2 = 32 + 1 क्या आएगा, 33/16। अब स्केयर को इधर लेके आएंगे, रूट हो जाएगा x + 1/4 = ±√16 का क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो x = ±√16
33 बाई फोर, एक बार इसको इधर लेके आए तो -1/4 हो जाएगा। अब देखो दोनों का एलसीएम क्या है, 4 है, तो एज इट इज लिख देंगे प्लस माइनस रूट 33 -1/4। एक बार इसको हम प्लस लेंगे, एक बार माइनस, जब प्लस लिया तो क्या आया √33 -1/4, और माइनस लेंगे तो क्या आ जाएगा -√33 -1/4, ये आपके पास से इसके रूट्स आ जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड, 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब 4x² देखो, 4x² को अगर हम करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x² प्लस इसको करेंगे 2x√3 प्लस √3 का होल स्केयर इज इक्वल टू 0। जब हमारे पास ये तो कम्प्लीट यहीं पे हो गई फैक्टर, अगर हमारे पास फैक्टर नहीं होते तभी तो हम अप्लाई करते हैं कम्प्लीटिंग स्केयर मेथड, बट इसके फैक्टर यहीं पे पॉसिबल हैं तो आगे करने की हमें ज़रूरत ही नहीं है कम्प्लीटिंग स्केयर से। 2x प्लस a² प्लस b² प्लस 2ab, इसको क्या लिख देंगे 2x प्लस √3 का होल स्केयर इज इक्वल टू 0। स्केयर को उधर लेके जाएंगे रूट हो जाएगा, 0 का रूट भी क्या होता है 0, तो क्या आ जाएगा 2x प्लस √3 इज इक्वल टू 0। दो बार लिख लिया 2x प्लस √3 इज इक्वल टू 0। अब इधर से वैल्यू निकालेंगे, x इज इक्वल टू इसको उधर लेके गए माइनस में आ जाएगा और ये डिवाइड में आ जाएगा, दोनों से क्या आ जाएगा -√3/2 एंड -√3/2। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ, 2x² प्लस एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0, प्लस 4 को उधर लेके जाएंगे -4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसका कंप्लीट स्क्वेयर के बिना क्वेश्चन इसके फैक्टर नहीं होंगे। 2x² प्लस एक्स इज इक्वल टू -4, अब इसको सोल्व करेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2, 2 से डिवाइड कर देंगे क्या आ जाएगा x² प्लस x/2 इज इक्वल टू -2। अब इधर क्या आ जाएगा x² प्लस, इसको मैंने ब्रेक कर दिया 2 इंटू एक्स इंटू 1/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, आ जाएगा x/2 इज इक्वल टू -2। इसका हमने हाफ कर दिया, x/2 क्या 1/2 का हाफ 1/4, दोनों साइड 1/4 को हम ऐड करेंगे क्या आ जाएगा x² प्लस 2 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई 1/4 प्लस 1/4 का स्क्वायर, दूसरी साइड क्या आ जाएगा -2 प्लस 1/4 का होल स्क्वायर हमने ऐड कर दिया। अब ये क्या आ जाएगा a² प्लस b² प्लस 2ab, a प्लस b का होल स्क्वायर, इसको लिख दिया x प्लस 1/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 2 है और 1/16, 1/16 को हमने कर 1/4 को कर दिया 1/16 -2, 16 हमारे पास एलसीएम आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1 -32, क्या आया -31/16। तो अपोजिट साइड में हमारे पास क्या है x प्लस 1/4 का स्क्वेयर इज इक्वल टू -31/16। जब हम इधर से स्क्वेयर है इधर लेके आएंगे तो रूट आ जाएगा, और रूट आएगा तो क्या आ जाएगा -31/16। और जब भी हमारे पास रूट के अंदर नेगेटिव आ जाता है तो हम क्या बोल देंगे कि इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, कि कोई भी इसके रियल रूट फाइंड नहीं कर सकते। इसके हम कैसे रूट फाइंड कर सकते हैं, इसको सॉल्व ही नहीं कर सकते, इसके हम इमेजिनरी रूट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको क्या बोल देंगे, द स्क्वेयर ऑफ ए नंबर कैन बी नेगेटिव, किसी भी नंबर का स्क्वेयर किसके इक्वल आ गया, किसी नंबर का स्क्वेयर किसके इक्वल आ गया, नेगेटिव के इक्वल आ गया, सो देयर इज नो रियल रूट, इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया कि इसके कोई भी रियल रूट नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम और हमें क्या निकालना है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करके क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। देखो कैसे, फर्स्ट है हमारे पास जो आपको क्वेश्चन नंबर 1 में दी गई है वही है आपके पास 2x² -7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास देखो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, ये आपके पास क्या है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। अब इसमें ए बी सी को हम कंपेयर करेंगे किससे, कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2, b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -7 और c इज इक्वल टू 3। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू -b प्लस -√b² -4 इसे डिवाइडेड बाई 2a, एक्स इज इक्वल टू माइनस और b की वैल्यू क्या है -7, तो माइनस माइनस प्लस 7 आ जाएगा, प्लस माइनस स्केयर रूट ऑफ b² -7 का स्केयर 49 -4ac, 4a की वैल्यू आपके पास क्या है 2 और c की वैल्यू क्या है 3, 3 2 जहाँ 6, 6 4 जहाँ 24 और डिवाइडेड बाई 2a, 2 और a की वैल्यू क्या है 2, 2 2 जहाँ 4,
सेवन प्लस माइनस, इसमें से माइनस करेंगे कितना आएगा 25, और डिवाइडेड बाय 4, 25 किसका रूट होता है 5 का, तो क्या आ जाए x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस 5 बाई 4, x इज इक्वल टू एक बार प्लस लेंगे 7 प्लस 5 बाई 4 12 बाई 4 कैंसिल हो गया 3, एक बार माइनस लेंगे 7 माइनस 5 बाई 4 क्या आ जाएगा 2 बाई 4 इज इक्वल टू 1 बाई 2। नेक्स्ट है सेकेंड, 2x² plus x minus 4 is equal to 0. Comparing this equation with ax² plus bx plus c is equal to 0 के लिए a is equal to क्या आ जाएगा 2, b is equal to 1 और c is equal to minus 4. Using quadratic formula x हमारे पास क्या है minus b plus minus b square minus 4ac divided by 2a. x is equal to minus b, b हमारे पास क्या है 1, तो क्या आ जाएगा minus 1 plus minus b square, 1 का square क्या आ जाएगा 1 plus है. माइनस है, और 4 ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 2, और सी की वैल्यू क्या है माइनस 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 जा 16, 2 जा 32, माइनस 1 प्लस माइनस रूट 33 बाई 4, एक बार प्लस में ले लेंगे एक बार माइनस ले लेंगे, एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा माइनस 1 प्लस रूट 33 बाई 4 एंड माइनस 1 माइनस रूट 33 बाई 4, ये हमारे पास उसके दो रूट्स आ जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास इसका थर्ड पार्ट, 4x² प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4, b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 रूट 3, c इज इक्वल टू 3। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला दे रखा है आपको, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्केयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, x इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 4 रूट 3 प्लस माइनस रूट बी स्केयर, बी हमारे पास बी स्केयर करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 रूट 3 का स्केयर, और 4 रूट 3 का 4 का स्केयर 16 इंटू रूट 3 का स्केयर 3, 16 3 जो 48, ये आपके पास क्या आ जाएगा 48 माइनस 4ac, 4 और a की वैल्यू क्या है 4 और c की वैल्यू 3, 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, 48 से 48 कैंसिल हो जाएगा, और 2a, 2 और a की वैल्यू 4 है 2 4 जा 8 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस 4 रूट 3 प्लस माइनस 0 बाई 8। जब हम प्लस में 0 रखेंगे तब भी वही आएगा, माइनस में 0 रखेंगे तब भी वही आएगा, कैंसिल कर देंगे 4 1 जा 4 2 जा 8, लेकिन हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो रूट 2 आएंगे, तो इसलिए हम इसको 2 टाइम्स लिखेंगे, x is equal to minus root 3 by 2 and minus root 3 by 2. Next step fourth, 2x² plus x plus 4 is equal to 0. Comparing this equation, ax² plus bx plus c is equal to 0, a is equal to 2, b is equal to 1 and c is equal to 4. Quadratic formula के अंदर apply करेंगे, x is equal to minus b, क्या आ जाएगा minus 1 plus minus b square, 1 का square 1, minus 4ac, 4 4 जा 16, 16 2 जा 32, और divided by 2a, 2 2 जा 4. माइनस 1 प्लस माइनस, इसमें से माइनस करेंगे माइनस 31 डिवाइडेड बाय 4, फिर वही बात आ गई हमारे पास, अगर रूट के अंदर नेगेटिव आ गया तो हम क्या बोल देंगे कोई भी रियल रूट नहीं, इट मींस कैसे इमेजिनरी रूट्स हैं, स्केयर ऑफ ए नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव, सो देयर इज नो रियल रूट फॉर द गिवन इक्वेशन, इस जो आपको इक्वेशन दी हुई है इसके कोई भी रियल रूट नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस, आपको इक्वेशंस दी हुई है इसके रूट फाइंड करेंगे, x माइनस 1 बाई x इज इक्वल टू 3, x नॉट इक्वल टू 0। सबसे पहले हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे x, x और 1 से डिवाइड करेंगे x, x x के मल्टीप्लाई x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3, अब इधर x को उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, फिर इसको सॉल्व करेंगे x स्क्वायर 3x को इधर लेके आएंगे माइनस 3x और माइनस 1 इज इक्वल टू 0। कंपेयरिंग दिस इक्वेशन a इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, b इज इक्वल टू माइनस 3 और c इज इक्वल टू माइनस 1, x इज इक्वल टू आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है माइनस b, b की वैल्यू क्या है माइनस 3, माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा प्लस माइनस b स्केयर माइनस 3 का स्केयर 9, माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस 4ac, 4 1 जा 4 और डिवाइडेड बाई 2a, a की वैल्यू क्या है 1 2 1 जा 2, 3 प्लस माइनस 9 प्लस 4 कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस रूट 13 बाई 2, x इज इक्वल टू 3 एक बार प्लस में लिखेंगे एक बार माइनस में लिख लेंगे। इसके बाद है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, 1 बाई एक्स प्लस 4 माइनस 1 बाई एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 11 बाई 30।
सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, एक्स प्लस फोर इंटू एक्स माइनस सेवन, एक्स माइनस सेवन और वन की मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी, एक्स माइनस सेवन और इसके मल्टीप्लाई माइनस, अब माइनस है दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू क्या है 11/13। एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस 11/x प्लस फोर इंटू एक्स माइनस सेवन इज इक्वल टू 11/13। 11 से 11 दोनों साइड है तो कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा एक्स प्लस फोर की और इसकी यहाँ पे वन बचेगा और यहाँ भी वन बचेगा, इसकी वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एक्स प्लस फोर एक्स माइनस सेवन इज इक्वल टू 30 की और माइनस वन की मल्टीप्लाई माइनस 30 मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर एक्स की और माइनस सेवन की माइनस सेवन एक्स प्लस फोर की और एक्स की फोर एक्स और सेवन फोर जो माइनस 28 इधर माइनस से इधर लेके आएंगे प्लस 30 इज इक्वल टू जीरो। एक्स स्क्वायर अब देखो सेवन में से फोर घटा देंगे माइनस का 3x हो जाएगा और 30 में से 28 को माइनस करेंगे प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो। कोई भी दो नंबर जिनकी मल्टीप्लाई 2 आ जाए और प्लस माइनस करेंगे 3 आ जाए, तो हमारे पास ऐसे नंबर क्या है 2 और 1। 2 और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा और 2 और 1 की को प्लस करेंगे 3 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर 2x माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो। दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा x, क्या आ जाएगा x माइनस 2, इन दोनों में कॉमन क्या है माइनस 1, तो x माइनस 2 इज इक्वल टू जीरो। अब दोनों में है x माइनस 2 x माइनस 2, दोनों में से कॉमन ले लिया अंदर क्या बचेगा x माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो। x इज इक्वल टू क्या क्या आएगा, एक तो 1 आ जाएगा और एक इधर से इसको एक बार इसको 0 के इक्वल रखेंगे एक बार इसको, तो एक बार 1 आ जाएगा और एक 2 आ जाएगा। ये हमारे पास उसकी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होंगे, ठीक है। ये थे हमारे पास क्वेश्चन 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।